गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज मैंने अपनी मॉर्निंग की शुरुआत कर दी अपने व्लॉग के साथ, और मैंने सोचा कि आज मॉर्निंग से शूट करती हूँ। काफ़ी दिन से मैंने मॉर्निंग से कुछ भी शूट नहीं किया हुआ था, तो बस आज शाहजेब की छुट्टी है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे उसका स्कूल है ना, मैंने कई बार आप लोग को दिखाया है कि वहाँ पे पंडाल बन रहे हैं, तो अभी वो काफ़ी रेडी हो चुका है। और वहाँ पे यहाँ की जो सीएम है ममता बनर्जी, वो वहाँ पे जा रही हैं। उसका जी, तो मेरी वीडियो बीच में कट गई थी, तो मैं बता रही थी वहाँ पे सीएम जा रही हैं वहाँ का उद्घाटन वगैरह कुछ करने वहाँ पे, तो आज वहाँ पे छुट्टी दे दी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारा ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा, तो वहाँ पे छुट्टी दे दी है। तो बस आज शाहजेब स्कूल ले गए, और हम लोग की मॉर्निंग बहुत लेट से हुई है। और मेरे हस्बैंड वो तो सुबह ही चले जाते हैं ऑफिस, तो वो 8 बजे के करीब चले जाते हैं, तो मैंने उनको उनका लंच बना के दे दिया है। और क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? तो बस वो चले गए, उसके बाद वो चले गए, तो हम लोग सो गए। फिर तो मॉर्निंग में कोई काम नहीं होता है, तो हम लोग सो गए। और अभी हुआ है ऑलमोस्ट 11 हो चुका है। मैं अभी बस आधे घंटे पहले उठी हूँ, हम लोग ने नाश्ता किया है, अभी बस हम लोग बैठे हैं, और अभी बस घर का काम होना है। घर काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है, घर का काम होना है। अभी हमारी जो काम करती हैं वो आने ही वाली हैं, वो बस घर वर साफ़ कर देंगी। तो बस मैंने सोचा कि ऐसे ही शूट करती हूँ। और आज मुझे एक जगह भी जाना था, एक्चुअली डॉक्टर क्या जाना था, मेरी आई टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी करवाने का ना, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, और मैं सोच रही कि शायद मेरी आँखों का जो पावर होता है वो बढ़ गया है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से चेक नहीं करवाया है, और अभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। तो बस देखते हैं आज का अपॉइंटमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे अपॉइंटमेंट भी जल्दी नहीं मिलता है। तो अगर आज का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा तो मैं वहाँ पे जाऊँगी इवनिंग में। और बस आज ऐसे ही छोटा मोटा व्लॉग मेरा रहेगा। और लास्ट हम लोग गए थे म्यूज़िक कॉन्सर्ट में, तो वहाँ पर हम लोग गए बहुत एक्साइटमेंट में, मतलब अच्छा हम लोगों को बहुत लगा, बट मैं स्पेशली जिसके लिए गई थी तो वो तो मेरा हो नहीं पाया। एक्चुअली हमने देखा कि वहाँ पर जावेद अली आ रहे हैं सिंगर, तो हम लोग ने कहा चलिए चलते हैं, अच्छा लगेगा। बट वहाँ पे गए हम लोग, तो वो आए तो जैसे कि आप लोग ने मेरे थंबनेल में भी लास्ट में देखा होगा कि मैंने बाद में उसे चेंज कर दिया है, क्योंकि बाद में उनके फ़ोटोज़ वगैरह आए, तब तक तो हम लोग घर आ चुके थे। तो फिर मैंने देखा तो मुझे बहुत ख़राब लगा कि हम लोग थे तो नहीं आए, बट ऐसा होता है ना कि जो बेस्ट होता है उसे लास्ट में ही रखता है, ताकि ऑडियंस वहाँ से हिले ना। तो वो आए थे बट रात में करीब 12-1 बजे के करीब आए थे, तो आप लोग ने तो मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग 10:30-11 पे घर वापस आ गए थे, तो हम लोग नहीं देख पाए। बट कोई बात नहीं, फिर कभी मौका मिलेगा तो हम ज़रूर वहाँ पे जाएंगे, और अगर कोई अच्छा सिंगर आया, एक्चुअली वहाँ पे काफ़ी सारे म्यूज़िक से रिलेटेड ही कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं, तो अगर फिर कभी मौका मिला तो हम ज़रूर जाएंगे अगर कोई अच्छे सिंगर आए। बाकी अच्छे थे वहाँ पे, लेकिन सब बंगालीज में थे, तो इतना मुझे तो इतना मतलब नहीं था। तो बस हम लोग वापस आ गए थे, और काफ़ी दूर भी था और काफ़ी लेट भी हो रहा था, तो हम लोग वापस आ गए थे। खैर चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अभी हम लोग बस अपना घर का काम स्टार्ट करते हैं, और फिर देखते हैं कि और मैं क्या कर सकती हूँ, और मैं कुछ अच्छा आप लोग के साथ दिखा पाऊँ आप लोगों को, तो मैं वो ज़रूर से दिखाऊंगी। और बस ठीक है, चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं, बहुत बात हो गई हमारी। और ये देखिए यहाँ पे पढ़ाई हो रही है ना, मेरा बेटा पढ़ाई करने में नंबर 1 माशाल्लाह, है ना। क्या बना रहे हो? 5 6 ओके 6 अभी ये बना रहा है। अभी ये स्टैंडिंग इसको आ गया है, स्लैंटिंग आ गया है, बट इसको कर्व करना अभी उतना अच्छा नहीं आया है ना। कर्व नहीं कर पाते हो आप ना ठीक से? नो वाय? ऊपर ऊपर नहीं रेस करो, रेस करो आपको ऊपर करिए करिए नीचे। हाँ शाहजेब की राइटिंग भी माशाल्लाह पहले से बहुत अच्छी हो गई है, मैम बोल रही थी ना पहले तो शाहजेब एक स्टैंडिंग नहीं नहीं प्लीज इसे इरेज करो, इट इज वेरी बिग। यस अच्छा से बनाइए। नो नो इरेज इरेज। कितना मेहनत लग रहा है इरेज करने में, उफ। Now better।
ठीक है, चलिए इनका तो अपना पढ़ाई चलता रहेगा, है ना। कलर्स भी करने हैं अभी इनको, इनका तो बस दिन भर कलरिंग पूरी बेडशीट में, वॉल में, हर तरफ। अरे नोज से हटाइए, बैड बॉय। नो, डोंट डू दिस। बस दिन भर इनका यही सब चलता रहता है। चलिए हम लोग अपना काम करते हैं, इन्हें अपना काम करने देते हैं। तो बस हमारा अभी घर का काम हो रहा है, सफाई वफाई हो रही है और शाहजेब की पढ़ाई चल रही है। तो बस यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, क्योंकि चाय के बिना तो मेरा दिन ही नहीं गुजरता, तो मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ। तो और थोड़ा सा मेरा सर भी दर्द हो रहा है, मैंने बताया था ना कि मेरा थोड़ा आइस का चल रहा है। मुझे टेस्ट भी कराने जाना था, बट अभी पता चला है कि अपॉइंटमेंट भी नहीं मिला है मुझे, तो मे बी कल का होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं चाय पी लेती हूँ, चाय से आधा दर्द तो मेरा ठीक ही हो जाएगा। तो बस अभी मैं चाय बना रही हूँ। तो बस मैं अभी बैठी हुई हूँ, मैंने चाय भी पी लिया है। तो मैं सोच रही थी, मैं कुछ एक्चुअली निकाल रही थी, तो मुझे अपनी आई शेडो पैलेट दिखी जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ, मे बी आप लोग के भी किसी काम में आ जाए अगर आप लोग इसे परचेज करो तो। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। तो ये हमारी, ये मेरी पैलेट है, मॉडर्न मैट्स 28 कलर आई शेडो पैलेट फ्रॉम BH कॉस्मेटिक। ये आई शेडो मेरी फेवरेट आई शेडो है, और ये पैलेट मुझे मेरी अप्पी ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे। तो ये इसमें हमारे 20, तो मैं आपको दिखा रही थी अपनी BH कॉस्मेटिक की आई शेडो पैलेट, जिसमें 28 कलर्स है। मेरा बेटा है ना, मुझे बार बार डिस्टर्ब कर दे रहा है, इसलिए वीडियो कट हो जा रही है। और इसमें देखिए कितने अच्छे कलर्स हैं, इसमें बहुत सारे कॉन्टोर के कलर्स भी दिए हुए हैं, नीचे में कॉन्टोर्स के कलर दिए हुए हैं। ये सारे आपके ब्लशेज हो जाएंगे, सारी आपकी आई शेडोज हो जाएंगी। बहुत अच्छी पैलेट है ये, मेरी फेवरेट पैलेट है ये। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। और ये देखिए, ये अभी अभी मेरे बेटे ने इसे तोड़ा है, इसे तोड़ दिया है उसने, इस तरह से कुछ ये है। और बहुत ही अच्छी पैलेट है, आप इसको मस्ट बाय कर सकते हो। बट आई डोंट नो कि अभी ये नायका पे अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि ये एक साल पुरानी ऑलमोस्ट पैलेट हो चुकी है और अभी तक मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इतने सारे शेड्स हैं, आप रोज़ तो लगाते नहीं हो ये सब चीज़ें, तो काफ़ी चल जाता है। बट अभी मेरा अच्छे से चल रहा है। तो बस मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ, मे बी आप लोगों को कुछ हेल्प हो जाए, आप लोगों को कुछ कॉस्मेटिक लेना हो तो आप लोग उसमें मतलब देख सकते हो, आप लोग अगर पसंद करो तो। बाकी देखिए मैंने ज़रा सा हल्का सा मैंने ना ऐसे लगा लिया था, तो काफ़ी कितना दिखाती हूँ मैं लगा कर, ये पिंक कलर में लगाती हूँ, बट बहुत डार्क हो गया। बहुत डार्क हो गया, देखिए अब तो छूटेगा भी नहीं इससे, बट ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये है, देखो मैं कैसे लग रहा है, बहुत डार्क हो गया, एक नीचे से लग गया मेरा। तो काफ़ी अच्छा पैलेट है, वैसे मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोग भी इसे लेना चाहो तो प्लीज़ ले प्लीज़ नहीं, आपकी मर्ज़ी है, ले सकते हो आप। बस मेरे पास एक अच्छी चीज़ थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूँ इसे, आप लोग के कुछ हेल्प हो सके तो अच्छी बात रहेगी। तो बस मैंने आज तो कुछ अच्छा शूट नहीं किया, बस यही सब मैंने शूट किया। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह के व्लॉग मुझसे देखने हैं, ट्रैवलिंग व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हो तो मैं वो उसी टाइप का कुछ बनाऊंगी, मार्केट्स व्लॉग अच्छे लगते हो तो मैं उस तरह का कुछ बनाऊंगी, या फिर इस टाइप का कुछ व्लॉगिंग टाइप का अच्छा लगता हो, डेली व्लॉग्स टाइप, तो वो मुझे बताइएगा, मैं वो ज़रूर से बनाऊंगी। तो बस ठीक है, तो बस तब तक के लिए फिर मैं देखती हूँ, कुछ आगे अच्छा रहेगा तो मैं शूट करूँगी, वरना तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर दूँगी। तो ठीक है, प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर। तो मैं बोल रही थी कि कितना आई शेडो ज़्यादा हो गया ना मेरा, तो मैं बोल रही थी कि मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा आप लोग, शेयर करिएगा,
प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए ताकि मैं कुछ अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना सकूँ। मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर कोई मुझे देख रहा है, मेरे मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे लाइक्स आ रहे हैं, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बस ये छोटा सा एक मेरा व्लॉग था, अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर से करिएगा मेरे चैनल को, और मुझे आइडियाज़ दीजिएगा अच्छे अच्छे कि मैं किस तरह के व्लॉग शूट करूँ। तब तक के लिए बाय बाय।